गाइस, अगर आपके पास इंडसइंड बैंक का इंडी जीरो बैलेंस अकाउंट है तो आप अपने इंडसइंड बैंक के इंडी जीरो बैलेंस अकाउंट में रखे सेविंग अकाउंट के पैसे पर एफडी वाला इंटरेस्ट पा सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने सेविंग अकाउंट के रखे पैसे पर 7.5% से ऊपर का इंटरेस्ट पा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में चैनल पर। अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। गाइस, जिस फीचर की बात कर रहा हूं उसका नाम है ऑटो स्वीप एफडी। ऑटो स्वीप एफडी का फीचर आपको इंडसइंड बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट पर मिलता है जिसका नाम है इंडी जीरो बैलेंस अकाउंट। ये अकाउंट वैसे काफी बढ़िया अकाउंट है, सारे के सारे फीचर यहां पर आपको मिल जाते हैं। आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड, फिजिकल डेबिट कार्ड सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपने अब तक इस अकाउंट को ओपन नहीं किया है तो आज ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने का लिंक और रेफर कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चलिए हम बात करते हैं इंडी के ऑटो स्वीप फीचर के बारे में। देखिए, ऑटो स्वीप फीचर एक एफडी वाला फीचर होता है जिसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में 20,000 रुपए, 40,000 रुपए या 50,000 रुपए, 1,00,000, जितना भी अमाउंट है, अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, इस अमाउंट की मुझे एफडी तो करना है लेकिन हमारे अकाउंट में बैलेंस रहना चाहिए, जब भी हमारे लिए जरूरत पड़े तो हम अपने उस बैलेंस को निकाल सकें, इस्तेमाल कर सकें इमरजेंसी में, और उस पैसे की एफडी भी हो जाए और एफडी वाला इंटरेस्ट भी मिलता रहे। इसी को हम कहते हैं ऑटो स्वीप एफडी। इसमें हम एक लिमिट सेट कर देते हैं कि 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, इस अमाउंट से जैसे ही हमारे अकाउंट में कुछ अमाउंट आता है उसका ऑटोमेटिक एफडी हो जाए, जिसको ऑटो स्वीप एफडी कहते हैं। नाम इसलिए ऑटो स्वीप एफडी इसका। सो ये बहुत अच्छा फीचर होता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपके अकाउंट में कोई ऐसा फंड पड़ा है जो आप इमरजेंसी के लिए यूज करना चाहते हैं, 1,00,000 रुपए, 2,00,000 रुपए, अब अकाउंट में रहेगा अगर वो बैलेंस तो वहां पर आपको कोई 2.5% 3% का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप ऑटो स्वीप फीचर एक्टिव कर देते हैं तो आपके उस सेविंग अकाउंट में रखे पैसे पर आपको एफडी वाला ब्याज मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, आप इसको कभी विड्रॉल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने ऑटो स्वीप चालू कर दिया, अब ऑटो स्वीप में आपकी एफडी हो गई तो आपको कभी पैसे की जरूरत पड़ी तो आप उसको निकाल नहीं सकते हो या बैंक जाना पड़ेगा, एफडी क्लोज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपने पैसे को कभी भी विड्रॉल कर सकते हो, एटीएम से कैश विड्रॉल कर सकते हो। जब भी आप अपने पैसे को विड्रॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एफडी क्लोज हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका अमाउंट विड्रॉल हो जाएगा। तो काफी बढ़िया फीचर है सेविंग अकाउंट पर एफडी वाला इंटरेस्ट पाने का। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर किस प्रकार से इंडसइंड बैंक के इंडी जीरो बैलेंस अकाउंट पर हमारे लिए ऑटो स्वीप फीचर को एक्टिव करना होता है। तो गाइस, इसके लिए आपको अपना इंडी एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। इसके बाद यहां पर इस प्रकार का इंटरफेस निकल के आ जाता है। इसके बाद गाइस यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है 3 लाइन का, इस पे क्लिक करना है। यहां पर आपका नाम लिखा रहेगा, वेलकम लिखा रहेगा, इसी पे यहां पर आपको 3 लाइन मिलेगा, इस पे एक बार क्लिक करिएगा। इसके बाद यहां पर इस प्रकार से इंटरफेस आता है। यहां आपको माई अकाउंट का ऑप्शन मिलता है दूसरे नंबर पर, इस पे एक बार क्लिक करना है। इसके बाद फिर से आपको दूसरे नंबर पे ऑप्शन मिलता है डिपॉजिट का, एक बार इस पे क्लिक करना है। और अब यहां पर आपके सामने इस प्रकार से काफी सारे ऑप्शन निकल के आ जाते हैं। आप यहां से आरडी कर सकते हैं, एफडी कर सकते हैं, और यहीं पर देखो आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑटो स्वीप एफडी का। यहां पर आपको इस ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना है, थोड़ा सा आप वेट करेंगे। इसके बाद यहां पर इस प्रकार से ऑप्शन आता है, यहां बताया गया है कि किस प्रकार से ऑटो स्वीप काम करता है। अब यहां पर आपको अपनी एक फिक्स लिमिट लगाना है कि भाई इतने से अधिक अमाउंट जैसे ही हमारा हो वो पैसा हमारा ऑटोमेटिकली ऑटो स्वीप एफडी में चला जाए। तो यहां पर देखो आप अपने हिसाब से अपनी जो लिमिट है वो सेट कर सकते हैं। और यहां पर देखो कम से कम आपके लिए 20,000 रुपए की अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट लगानी ही पड़ेगी, मतलब 20,000 तक का जो अमाउंट रहेगा उस पर आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपका अमाउंट 20,000 से ऊपर होता है और 10,000 के मल्टीपल में होता है तो वो पैसा आपका ऑटो स्वीप एफडी में चला जाएगा। एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, जैसे मान लो यहां पर हमने 20,000 की लिमिट सेट कर दी, अब यहां पर हमारे अकाउंट में अभी मान लीजिए 20,000 रुपए ही है तो यहां पर हमारा ये पैसा ऑटो स्वीप एफडी में नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही हम अपने अकाउंट में 12,000 रुपए और डालते हैं तो अभी हमारे अकाउंट में कितना हो गया, 32,000 रुपए। तो इसमें से जो 10,000 रुपए है वो हमारा ऑटो स्वीप एफडी में चला जाएगा, 2,000 रुपए जो बाकी है वो अभी हमारे सेविंग अकाउंट में ही रहेगा। इसके बाद फिर हम 8,000 रुपए और डाल देते हैं तो 8,000 हमारा ये, 2,000 पिछले वाला, तो इस प्रकार से एक हमारी ऑटो स्वीप एफडी और बन जाएगी। इस प्रकार से ऑटो स्वीप एफडी यहां पर काम करती है। चलिए मैंने यहां पर 20,000 रुपए लिमिट सेट कर दिए। इसके बाद यहां पर आपको नीचे टाइम सेलेक्ट करना होता है कि आप कितने टाइम की जो ऑटो स्वीप एफडी वो करना चाहते हैं। यहां पर देखो आपके लिए 12 महीने का ऑप्शन मिलता है, 18 मंथ का ऑप्शन मिलता है और 61 मंथ का भी ऑप्शन मिल जाता है। सो यहां पर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए यहां पर मुझे बेस्ट लग रहा है 12 महीने का, तो मैं यहां पर 12 महीने वाले ऑप्शन में टिक रहने दूंगा। इसके बाद यहां पर आपको नीचे ऑप्शन मिलता है कि
क्रिएट ऑटो स्विप का, इस पर क्लिक करेंगे हम और यहां पर देखो आपके ऑटो स्विप के बारे में सब कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी। 12 मंथ की ऑटो स्विप एफडी करने पर हमारे लिए यहां पर 7.75% का इंटरेस्ट मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि हम अपने ऑटो स्विप वाले पैसे को कभी भी बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे वाले में, या कभी भी इसको किसी भी एटीएम मशीन से विड्रॉल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, एक तरीके का हमारा एफडी भी हो गया है, एफडी वाला इंटरेस्ट भी मिल रहा है और हमारे इमरजेंसी में पैसा काम भी आ सकता है। अब यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है रिन्यूअल टाइप का, इस पर क्लिक करना है और यहां पर आपको पूछ रहा है कि आपकी एफडी ऑटोमेटिकली रीइन्वेस्टमेंट हो जाए 12 महीने बाद, या फिर आपका पैसा ऑटोमेटिकली बैंक में ट्रांसफर हो जाए 12 महीने के बाद। तो यहां पर अगर आप ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 12 मंथ बाद, तो यहां पर आप रीइन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं 12 महीने बाद, तो यहां पर आप डू नॉट रिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं यहां पर इसको रीइन्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा और यहां पर देखो जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा इस एफडी का, ये यहां पर मैच्योरिटी पर मिलेगा, यानी कि जब आपकी एफडी मैच्योर होगी 12 महीने बाद तभी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल सा आपको सब देख लेना है। इसके बाद आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, थोड़ा सा यहां पर आपको वेट करना है। आप देख सकते हैं यहां से हमारी ऑटो स्वीप एफडी हो चुकी है, 20,000 रुपए की हमारे अकाउंट में एक फिक्स लिमिट है, इसके ऊपर जैसे हमारा अमाउंट जाता है तो यहां पर हमारे 10,000 रुपए की मल्टीपल में एफडी होना स्टार्ट हो जाएगी। सिंपल सा आपके लिए आप यहां पर गोइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अच्छा, अगर आपके लिए कभी इस अपने ऑटो स्विप को डिसेबल करना है तो इसके लिए सिंपल सा आप फिर से 3 लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहां पर अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और फिर से यहां पर आप मैनेज ऑटो स्विप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहां पर देखिए आपके लिए डिसेबल नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप अपनी ऑटो स्विप को डिसेबल भी कर सकते हैं। सो यहां से आप इसको इस प्रकार से डिसेबल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इंडसइंड बैंक के इंडी अकाउंट में अपनी ऑटो स्विप एफडी कर सकते हैं और सेविंग अकाउंट में रखे पैसे पर एफडी वाला ब्याज पा सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस अकाउंट को ओपन नहीं किया है तो जीरो बैलेंस अकाउंट है, काफी बढ़िया अकाउंट है, आप ओपन कर लीजिएगा। मैंने इसका लिंक और रेफर कोड आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सबसे बढ़िया अकाउंट है, आप इसको ओपन कर सकते हैं। मैं पर्सनली खुद इस अकाउंट को यूज करता हूं। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।